हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मनीषा और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम मिक्स वेज बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमने कढ़ाई में 2 चम्मच तेल ले लिया है और उसमें हमने मुनगा को, ये 1 पाव मुनगा है, इसे हमने फ्राई कर लिया है। उसी तेल में हमने जीरा ऐड कर दिया है। जीरा हो गया है तो हमने उसमें 1 कटा हुआ मीडियम साइज का आलू, 2 बारीक कटे हुए हरी मिर्च और 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज इसमें ऐड कर दिया है और इन सभी को अच्छे से हम भून लेंगे। 2-3 मिनट अच्छे से भून लेने के बाद हम इसमें केला और खेक्सी ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से चला के हम 10 मिनट तक, जब तक ये अच्छे से भुन नहीं जाता तब तक पका लेंगे। अब ये अच्छे से हो गया है तो हमने इस पे कटा हुआ मीडियम साइज का टमाटर ऐड कर दिया है और टमाटर अच्छे से गल जाए इसके लिए हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है स्वाद के अनुसार। अब इसे ढक के छोड़ देंगे। टमाटर अच्छे से गल गए हैं तो अब हम इसमें मुनगा ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था। आप इसे बाद में भी ऐड कर सकते हैं और हम इसे मिक्स कर देंगे सब्जी के साथ में। टमाटर अच्छे से मिक्स हो जाए, हर थोड़ी देर हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट बाद फिर से हम चेक कर लेंगे और इसमें सारे मसाले और हमने पानी ऐड कर दिया है। धनिया 1/2 टेबल स्पून, मिर्ची पाउडर 1/2 टेबल स्पून और हल्दी पाउडर 1/4 टेबल स्पून और हमने 1 गिलास के करीबन इसमें पानी ऐड कर दिया है। आप इन सभी को अच्छे से मिक्स करके हम इसे 1 उबाल आते तक पकने देंगे। थोड़ी देर बाद हम फिर से चेक कर लेंगे। सब्जी में अच्छे से उबाल आ गया है, हम इसे चला देंगे। सब्जी अच्छे से पक गई है। तो वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें। वीडियो अच्छे